सीतापुर में शनिवार सुबह शातिर बदमाश से पुलिस मुठभेड़ हुई और सेउची औक थाना लहरपुर की संयुक्त पुलिस ने 25,000 के दो नामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों को जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी। ये मुठभेड़ भदफर रोड पर शारदा नहर पुल के पास हुई और दरअसल मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने चेकिंग अभियान चला रही थी तभी बाइक पर सवार दो संदिग्ध आते दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखकर दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। क्रॉस फायरिंग के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों बदमाश थाना तालगांव में वांछित चल रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ लूट, चोरी, अवैध शस्त्र, हत्या का प्रयास, मादक पदार्थ तस्करी जैसे करीब दो दर्जन संगीन अपराध दर्ज है और अपराधी हारून जालिमपुर का रहने वाला है, जबकि दूसरा बदमाश मोहम्मद जलीलपुर गोरखपुर सुपारी सीतापुर का रहने वाला बताया जा रहा है। थाना लहरपुर के अंतर्गत भदपर चौकी के निकट आज एक पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो इनामी बदमाश जिनका नाम मोहम्मद हारून और मोहम्मद जलील है, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। ये सकरन रेवसा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पूर्व से घोषित था। इन अपराधियों के द्वारा लगातार जनपद सीतापुर में तथा आसपास के अन्य जनपदों जैसे जनपद बाराबंकी व जनपद प्रतापगढ़ में चोरी नकबजनी की घटनाएँ लगातार कारित की जा रही थी। इनकी पुलिस टीम के द्वारा लगातार रेकी की जा रही थी। आज सुबह जब यहाँ पर नहर की पटरी के पास में इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इन दोनों बदमाशों के गोली लगी है, जिसमें इन दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है, जहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। पुलिस की टीम के द्वारा मौके से अवैध शस्त्र दो तथा जिंदा कारतूस व दगे हुए कारतूस कुछ बरामद किए गए हैं। एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामद की गई है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि इनके द्वारा प्रतापगढ़ जिले में कुल 20 चोरियां पिछले एक महीने में की गई हैं, जिनमें से एक जगह पर इनके द्वारा एक लाइसेंसी अस्त्र भी चुराया गया था, जिसे पूर्व में प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया था। प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा भी उनको